आज की एक टेलीविजन की जोड़ी हमने बुलाई है और अगर मैं आपने पूछनी है वो कौन सी जोड़ी है, मैं उनके शनाख्ती कार्ड के नाम आपको बताता हूँ। ला जी, ये बड़े मजेदार चीज़ें होने लगी है। साहब का नाम है सलमान साकिब शेख। सलमान साकिब शेख SSS। हाँ, और उनकी बेगम का नाम है सैयदा हेरा सलमान। सलमान, चलो लेडीज का नाम थे, चलो अच्छा है। ए भाई और ही को मेरा ख्याल वादा करके नहीं पहन रहा। सलमान साकिब शेख, हाँ, एहो जे बंदे दी अमूमन किस तरह की दुकान थी? इस नाम से तो इनकी को हलीम की दुकान लगती है। खुदा का वास्ता, शेख हलीम एंड नान। चलिए फिर आपकी मुलाकात करवाते हैं मानी साहब और हीरा साहब। बहुत सारी तालियों। शुक्र है मेरे नाल भी हाथ मिला लिया, लेकिन मैं उसके बाद में कह दूंगा कि धो लीजिए। नहीं, वो आज बड़े मौजब तरीके से बैठे हुए हैं दोनों। अभी तो आपकी आमद हुई है। अच्छा, ऐसे साहब को आमद होगी। माई साहब है मुलाकात सर? हाँ, टीवी से तो बहुत ज्यादा है, वैसे हम कभी ना कभी मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। जी जी, ये भी ये अलग तरह के शोज करते हैं, मैं अलग तरह का शोज करता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं हम टकरा एक दफा हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कि हम इनके शोज थोड़ा सा पंजाबियत का शिकार होते हैं तो वो गलत। देखिए, मैं खुद पंजाबी स्पीकिंग हूँ, जो कराची में रहता हूँ, और मेरे अब्बा चूंकि वो लाहौर के रहने वाले थे, यानी अपने ने साकिब शेख साहब के साथ जाए। माशाल्लाह, साकिब साहब के साथ मैंने यही शर्फ हासिल है कि मैंने उनके साथ काम किया हुआ। बहुत अच्छी बात, बहुत प्यार। तो कैसा रहा लाहौर का ट्रिप? लाहौर खींचता है अपनी तरफ? लाहौर मुझे तो आती, मैं सबसे पहले वो पाए खाने जाता हूँ। सरकार लगता नहीं कि तुम पावे खाते हो, लगता है तुम पंजे पुंजे ही खाते हो। मेरा साहिबा, आपका लाहौर बहुत आना जाना रहता है? लाहौर तो मुझे खींचता है, ये बात सच है। तो कभी ये सोचा है कि क्यों ना लाहौर सेटल हो जाए? मैं सोचती हूँ कि लाहौर सेटल हो जाऊँ, लेकिन फिर बच्चों के स्कूल, तौबा, इतनी महंगी फीसें वो दे दी हुई होती है हमेशा। नहीं, तो पंजाब हुकूमत ने स्कूल फ्री तो नहीं किए? नहीं, लेकिन वहाँ दोबारा देनी पड़ेंगी ना, यहाँ एडमिशन बहुत महंगे है ना, तो वो मैं कहती हूँ एक दफा हो गए बस, अब हो गए, अब इसी में पढ़ते रहो। उन्होंने बात इतनी अच्छी की है, हर घरेलू खातून जो होती है वो सबसे पहले ये हिसाब किताब देखती है कि मेरे शौहर की जेब पे भारी ना हो। अगर यहाँ पे दोनों माशाल्लाह फनकार हैं, लेकिन फिर भी इतना एहसास है, हाँ। तो ऐसी बीवी आप बहुत लकी हैं मानी। थैंक यू, बड़ी बात। तुम भी बोल दिया करो ये बात। ये मुझे ये ताने आगे तक पड़ेंगे। ये हमारे बहुत सारे एक्टर हैं ना, वो मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं अवार्ड्स में, या फिर वो ऐसे बहुत सारी इंटरनेट पे चीजें हो रही होती हैं, ये मुझे बहुत कहती है कि तुम इस तरह क्यों नहीं करते, मेरे लिए अदब है। लेकिन आप जूलियट लिख तो चुके हैं उन्हें इंस्टाग्राम पे। वो तो मैं लिखता हूँ, वो तो जब किसी के कहने पे, इनके कहने पे, कभी जब बहुत प्रेशर आता है तो मैं लिखता हूँ। अच्छा, बीवियों को तसल्ली नहीं होती? मैं भी अपनी वाइफ को 4-5-6 दफा फूल दिए, फिर उन्होंने क्या कहा, मेरा सौरा माली तो नहीं किधर, कोई अच्छा परफ्यूम दे, कोई अच्छा सूट दे, या क्या 24 घंटे फूल ले आते हैं? आपकी पूंछ तबीयत क्यों नहीं खत्म हो रही? आप एक्सप्रेसिव लगती हैं, वो नहीं लगते। हाँ, ये फिल्मी है। Oh. इसके बाद फिल्मों के रेफरेंस बहुत सारे हैं। You don't believe in emotions, you believe in practical approach. मैं बहुत practical हूँ, ये बहुत emotional है, इसको कोई आराम से बेवकूफ बना सकता है। मैंने ये सुना है कि इश्क जो होता है ये अंधा होता है। इधर तो अखीर ही हुई पई। नहीं, वो अपना हीरा भाभी की मासूमियत यहीं से पता चल रही है कि वो कितनी मासूम है, कि उन्होंने हमारे भाई से शादी कर ये कैसी, इस पे तो लड़ाई होगी। इतना पुराना मॉडल कैसे कहा आपने? मेरे मियां को फौरन माफी मांगे। नहीं, हम आपके भाई हैं, वो हमारे बहनोई हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मानी ने मुझ पे एहसान किया है मुझसे शादी करके, क्योंकि अगर मेरी मानी से शादी ना होती, गिनीज बुक में नाम आएगा इनका कि दुनिया की वाहिद खातून जिसने ये कहा मैं प्रोड्यूसर मेरे खावन ने मुझसे शादी करते हो, और आज इसने इसकी वजह से मैं हीरा मानी हूँ। शादी से पहले की कुछ जी जी लम्हात वो आपकी खिदमत पेश करना चाहूँ। जब मोहब्बत होती है, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, वादे इकरार होते हैं कि तुम नहीं तो मैं नहीं तो तुम नहीं, 6 महीने लंघ देने शादी तो बाद फिर वही बुढ़ी कह रही होती है आज तो नहीं। ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, मैं कि आपकी इस ये जो बातें आप करती हैं इससे बाकी औरतों पे कितना प्रेशर आता है,
कुछ लोग तो ये भी फील करते हैं कि ये ओवरडू कर रही है, हाँ, ये पता नहीं क्यों। और ये पता नहीं ये ड्रामा ना कर रही हो, इस तरह नजर भी लग सकती है, तो ये साथ रखा करो। ये कलर जो है ये ब्लैक है, नहीं ये तो हिट है, हॉट ये ब्राउन मुंडे हैं आप, ये चॉकलेटी कलर है बिल्कुल। आपको तो गाना मैंने ब्राउन मुंडे, सानू क्यों चॉकलेट तो नफरत कर। आपको पता है कि बाहर के ममालिक है वहां लोशन लगा के वो धूप में बैठते कैसी रंगत हो जाए। अपना बोलो बहुत अजीज है, मैं लानत भेजता हूँ बाहर जाने पे, कोई भेज सकता है तो। बहुत अच्छा कपल, और इतना के रश्क आता है कुछ लोगों को आपको देख के। इन रियल भी ऐसा ही है या खटपट होती है? बहुत होती। अच्छा मानी मेहमानी, और मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। हाँ। लोगों की लड़ाई है, तुम्हारे भाई ने फलाना कर दिया, तुम्हारी बहन ने भी कर दिया, तुम्हारा मुजम्मिल को देखो, इब्राहिम को देखो, ये लड़ाई है। ये हमारी लड़ाई अपने पे नहीं है। शादी के शुरू के 2 साल हमारी इतनी लड़ाई हुई थी कि मैं लगता था भाई ये शादी नहीं चली, गलती हो गई आपसे, ऐसा लगता था। लेकिन वो जो 2 साल निकल जाते हैं ना, 2 साल जिसके दो ही साल तो ही निकल रहे हैं। अच्छा इसमें अगर बीवी अच्छी और सुगढ़ हो, कोऑपरेटिव हो, तो फिर अच्छा, क्योंकि बंदे बड़े लाउबाली से होते हैं। हाँ। बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती है। बिल्कुल सच बात है, औरत से ही चलता है खानदान। मैं घर चला जाऊं, मेरी बीवी की जरूरत नहीं है कि वो दरवाजा खोले, क्योंकि अक्सर हम लोग लेट हो जाते हैं, फिर मैं कंध टप के जा। खौफ होता है भजन, खौफ पड़ा है। खुशमिजाज यहाँ ही मैं आई कैन बैठ, ये घर में कोई एक जुगत भी नहीं आती होगी। बहुत खुशहाल है माशाल्लाह, माशाल्लाह दो दो बेगमात हैं इनकी, माशाल्लाह। नुस्खा पता कर ले अमानी से, तो ना पड़ेगा। आइडियल सिचुएशन में रह रहे हैं, दोनों बेगमात की आपस में बेइंतहा मोहब्बत है। आपके मुंह में कभी पानी आया दूसरी शादी थी? वो कैसे? क्योंकि चक्कर ये आपको बहुत से लोग तराश में थे, मुझे एक अच्छी बीवी मिल गई है। तो ये कि अब तो मैं सिर्फ वो मुझे मैसेज भी हुआ रहते हैं कि भाई कैसे आप ठीक ठाक। भाइयों ने मैसेज आते हैं। अच्छा मैंने, क्योंकि हम शोबिज के लोग हैं तो हमें ना ये ज्यादा इन सारी चीजों को फेस करना पड़ता है, तो मैंने अपने मोबाइल पे ना, क्योंकि हमें फोन चल आ जाते हैं अपना आर्टिस्टों के, प्रोड्यूसर्स के, खवातीन के भी, तो मैंने खवातीन के जितने नाम है उनके आगे चौधरी लिखा हुआ। अच्छा तो एक मेरी फैन थी, वो रात को 2:30 बजे उस समय फोन किया, तो मैंने उठाया नहीं, तो मेरी मिसेज कहती है चौधरी साहब का फोन आ रहा है, तो मैं कब बात नहीं, मैं सुबह बात कर लूँगा। कौन सा ऐसा चौधरी जिसे तुम रात को बात नहीं करना चाहते? फिर उसने मैसेज किया कि सर आई थ्री मैजिकल वर्ड जो जी जी, तो वो फिर चौधरी साहब का भेद खुल गया। मैं फिर जो मेरी बीवी ने मुड़ के मैंने देखा, मैं साइड से काफी पड़े, लोग डरे, पूरी कौम सहमी हुई है, तो कोई वायरल ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। लोग इतने कॉन्शियस हो गए हैं कि बातों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, और फिर वो एक अजीब सी कॉन्ट्रोवर्सी से शुरू जाती है। मैं तो ये कहता हूँ माशाल्लाह, अल्लाह नजर ना लगे, रिस्क औरत के नसीब का, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, और औलाद मर्द के नसीब की है। बिल्कुल जी सरकार में छोटा सा वक्त था।